2000 रुपए के नोट पर इस वक्त तो सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष कोई भी मौका सरकार को घेरने में छोड़ नहीं रही। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती की पहली प्रतिक्रिया आई है। आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा के बाद पहली बार मायावती ने कुछ कहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने एक ट्वीट किया और इसी ट्वीट के जरिए उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, करेंसी और उसकी विश्व बाजार में कीमत का संबंध देश का हित और प्रतिष्ठा से जुड़ा होने के कारण इसमें जल्दी जल्दी बदलाव करना जनहित को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, इसलिए ऐसा करने से पहले इसके प्रभाव और परिणाम पर समुचित अध्ययन जरूरी, सरकार इस पर ध्यान दे। जबकि अगर आप सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने लिखा था कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 रुपए के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। इसी ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहा था, शासन मनमानी से नहीं समझदारी और ईमानदारी से चलता है। आपको बता दें, आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को सितंबर 2023 के बाद से चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की। इस मूल्य के नोट को बैंकों में 23 मई से बदला जा सकेगा। आरबीआई ने साफ कहा है कि बैंकों को 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने और बदलने की सुविधा दी गई है। बैंकों में 23 मई से 2000 रुपए के नोट बदले जा सकेंगे। हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए मूल्य के नोट ही बदले जाएंगे। हालांकि एक तरीके से मायावती के सुबह सुबह का ट्वीट देखा जाए तो साफ पता लगता है कि मायावती ने 2000 रुपए के नोट पर बहुत ज्यादा सख्ती भरा तंज ना कसते हुए बड़े ही सहज लहजे में लिखा है। इसमें कोई शक नहीं कि 2000 रुपए के नोट पर जबरदस्त सियासत चल रही है। कांग्रेस भी लगातार निशाना साध रही है। आरबीआई के 2000 रुपए के फैसले पर कांग्रेस कह रही है कि जब नोटबंदी ही करना था तो लाए ही क्यों थे। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेता मोदी सरकार पर रोज हमला बोल रहे हैं, तो बीजेपी के मंत्री और नेता इसे सही वक्त पर सही फैसला बता रहे हैं। बीजेपी इसे काले धन के खिलाफ दूसरा स्ट्राइक बता रही है। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कह दिया था कि अगर 2000 के नोट को बंद ही करना था तो इसे लाया ही क्यों गया था। अगर 2000 का नोट पहले से चलन में नहीं था तो इस पर जवाब देना चाहिए था। उन्होंने साफ कहा कि सरकार को ये भी बताना चाहिए कि 2000 के नोट मार्केट से कैसे गायब हो गए। नोटबंदी के फैसले को सही बताते हुए बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कहा कि ये काले धन पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कह रहे हैं कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है, यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए, 2018 से ही 2000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी, बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका यूरोप जैसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहाँ सबसे बड़ा डिनोमिनेशन 100 रुपये का डॉलर है, 100 डॉलर या 100 पाउंड या 100 यूरो है, तो भारत में फिर 2000 के नोट की आवश्यकता क्या है। और देखिए, जब नोटबंदी लागू हुई तो उस समय 500 या 1000 रुपये के नोट को बैन किया गया था। तत्काल लोगों को मुद्रा की आवश्यकता थी और 500 हज़ार का नोट तत्काल छाप कर देना संभव नहीं था, तो इसलिए 2000 का नोट तात्कालिक राहत के रूप में लाया गया था। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस निर्णय से गरीब आदमी प्रभावित नहीं होगा, गरीब आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी और लोग बैंकों में जाकर अपना नोट बदल पाएंगे। और देश डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, इससे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और काले धन पर एक और करारा प्रहार भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है। फिलहाल आरबीआई के ऐलान ने अभी सबको चौंका दिया है, खासतौर से विपक्ष अब बीजेपी सरकार को रोज घेर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला कर चले।